बात तो इंग्लिश भी सुन फिल्म है और जो आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कार्ड, वो बताइए क्या सब्जेक्ट है बेसिकली और कितने उत्साहित हैं सब्जेक्ट को लेकर? देखिए आपने सही पूछा कि आम प्रोजेक्ट नहीं है, यह प्रोजेक्ट है इंग्लिश फीचर फिल्म है और हमारी जो प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं जो एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर जो राइटर हैं वो न्यूयॉर्क से हैं, यूएसए से हैं और ये कहानी वहीं से बिलोंग करती है। ग्रीन कार्ड आमतौर पर अमेरिका में होता है और उससे रिलेटेड स्टोरी है कि ग्रीन कार्ड कैसे चोरी होता है, कैसे उसका मिसयूज होता है और उससे रिलेटेड एक स्टोरी है। क्या ये ऐसी इस तरह की फिल्में या इस तरह का प्रोजेक्ट आपने देखा है, कहीं से इंस्पायर्ड है या आपका खुद का ये विजन है कि इस तरह का प्रोजेक्ट मैं बनाऊं? ऑलरेडी ये मेरे लाइफ का एक फीचर है कि मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट इंग्लिश प्रोजेक्ट मिला है, इंग्लिश प्रोजेक्ट मुझे मिला और मैं कर रहा हूँ। अभी तक के अनुसार मैं नाम इंक्लूड करना चाहूँगा इन मीडियाज इन प्रेस, ये इंक्लूड करना चाहूँगा कि स्टोरी में एज ए लीड आर्टिस्ट प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज किया गया, उनको दिया गया है प्रपोजल दिया गया इस प्रोजेक्ट के लिए और जहाँ तक हमें टाइम मिला है वो नेक्स्ट ईयर का टाइम मिला है कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग इस प्रोजेक्ट पर बैठ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रियंका चोपड़ा टाइम मेन लीड में प्रियंका चोपड़ा जी सामने आएंगी। ये नहीं नहीं अभी प्रपोजल दिया गया है, अभी दिया गया प्रपोजल। नहीं क्योंकि हैं चांसेस हैं, हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे लेकिन हम लोग चांसेस हैं। हाँ बजट फिल्म, बजट फिल्म की काफी अच्छी है। ये बताइए कि उनका नाम ले रहे हो आप और मीडिया के सामने जी, तो बजट उस अनुसार होगा तभी तो वो? बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स फिल्म की बजट काफी अच्छी है और भी लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे, अभी फिल्म के टीम को बनाना है बाकी है, आज से काम की शुरुआत की जा रही है। ऑफकोर्स ऑफकोर्स राइट क्वेश्चन, बट ये जो स्क्रिप्ट राइटर है हमारी ना वो यूएसए से हैं, ऑलरेडी वो राइटर हैं इस फिल्म के, उनके उनका ही ड्रीम था कि हम लोग प्रोजेक्ट इंग्लिश में करें। हम लोग प्रोजेक्ट को बिजनेस और बिजनेस के लिए और पब्लिसिटी के लिए हम लोग डबिंग करके इसको हिंदी ला सकते हैं लेकिन बनेगी तो इंग्लिश में ही। नहीं कास्टिंग और भी लोगों की बात चल रही है। हाँ अर्जुन रामपाल को लेकर बात चल रही है, अर्जुन रामपाल जी आएंगे, जो जिस तरह का कैरेक्टर उनको मतलब अप्रोच किया गया है और बाकी फाइनल नेम अनाउंस होगा मुझे लगता है कि विद इन वन या टू मंथ्स ये क्लियर हो जाएगा कौन कौन सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कोई बड़ा नाम जो इंडस्ट्री में है वो बिना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का? नहीं ऑफकोर्स प्रोड्यूसर भी है, मार्केट के प्रोड्यूसर है, मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है लेकिन हम लोग अपने स्तर से काम को स्टार्टअप कर रहे हैं अभी, ये सारा कुछ तैयारियाँ चल रही है लेकिन स्टार्टअप चल रहा है, तैयारी हो रही है इसके लिए, तो सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि हाँ कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारे साथ खड़ी हो रही है, कौन से प्रोड्यूसर खड़े हो रहे हैं हमारे साथ, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। सर आपसे आपका जो एसोसिएशन है और सौरभ जी कर रहे हैं, कितना अलग विजन मानते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, कितना अलग है प्रोजेक्ट आपसे? सर नहीं सर ओके हाँ वेल सौरभ ने मुझे अप्रोच किया इस फिल्म के लिए कैरेक्टर, आई डोंट नो व्हाट द कैरेक्टर इज बट वो कह रहे थे कि इट्स अ वेरी हॉलीवुडिश कैरेक्टर, इसमें मैं लुक गोस फॉरिनर और बिकॉज इंग्लिश में तो ऑलरेडी पहले इंग्लिश फिल्म करा है तो मेरे कांटेक्ट में थे तो मैंने बोला कि अच्छा कैरेक्टर चल रहा है इसमें और चाहता हूँ कि आप इस कैरेक्टर को करें, तो फिर संदीप सर का अप्रोच किया, सर मेरा ऐसा था काम इसको करते हैं। आई थिंक इंग्लिश फिल्म तो बहुत कम ही लोग बना रहे हैं इंडिया में रहकर, तो ये कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं तो आई थिंक अच्छा होगा और मुझे भी थोड़ा डिफरेंट लगा कि नहीं हिंदी में तो सभी लोग बनाते हैं बट इंग्लिश में बना लें तो फिर क्यों नहीं ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए और किया जाए। आपके रोल को डिस्क्लोज किया क्या रोल? हाँ वाइफ का कैरेक्टर है और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, इन्होंने मुझे सुनाया है स्टोरी, मुझे पसंद आया तो मैंने। हाँ नहीं प्रॉपर तो काम की शुरुआत ही आज से की जा रही है। सर आप बताइए आपका एसोसिएशन और सर? आई एम नॉट एसोसिएटेड टू दिस प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ बिकॉज़ ही इज अ फ्रेंड सो मैसेज के लिए आया है। जी एग्जैक्टली सर कैमरा में देखिए, कैमरा में देखिए। हाँ तो संदीप भाई को मैं कम से कम 3.5-4 साल से जानता हूँ और कई बार प्रोजेक्ट कुछ स्टार्ट होते होते फिर लॉकडाउन हो गया, कुछ हो गया तो बन नहीं पाया बट होपफुली शायद इसके या इसके बाद हम काम करेंगे। जैसा टाइटल बता रहे हैं ग्रीन कार्ड, तो इसका मतलब शूटिंग भी आपकी अमेरिका में होगी ज्यादा करके? नहीं 10% शूट तो है हमारी अमेरिका में, 10% शूटिंग अमेरिका में है ही, ऑफकोर्स 10% है न्यूयॉर्क में शूटिंग। क्योंकि आर्टिस्ट यहीं से है ना सब लोग, तो हमारा टोन जो है वो बिल्कुल यहीं वाला है, अब उनका जो बिल्कुल समझ पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। मैं इस फिल्म में किरदार निभा रहा हूँ अर्जुन रामपाल जी के मित्र का कैरेक्टर है, जैसा कि मुझे सौरभ भाई ने बोला कि ऐसा ऐसा करना है और कैरेक्टर आपके लिए भी है और
हम लोग करेंगे उसे। बाकी बहुत ही जोश और जुनून के साथ गौरव भाई ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि हम लोग इसे बनाएं और इसे उस स्तर पर लेकर जाए जहां इन्होंने सोचा है, क्योंकि इंडिया में रहकर बहुत कम लोग इतने क्रिएटिव लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे कुछ भी सोच पाते हैं। तो मेरा इनको भरपूर सहयोग है, पूरा साथ है कि आप बनाइए जिस भी लेवल पर हो सकता है और हम लोग बहुत बड़े लेवल पर अच्छा सा काम करें। ओके, ये शूट हमारी यूपी में होगी और न्यूयॉर्क में। इंडिया में शूट कर तो यूपी में शूट होगी, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है हमें, तो हम चाहेंगे कि यूपी में शूट करें। इंडिया में कुछ गाने वगैरह और फिल्म में दो गाने हैं और जैसे वो इंग्लिश स्टाइल के गाने ही हैं, तो वो आउटडोर लोकेशन में नहीं, इंडोर लोकेशन में। नहीं नहीं, अगर फिल्म की डबिंग करते हैं तो फिर वो डबिंग हो सकता है, चेंज हो सकता है। हाँ, गाने इंग्लिश में। ओके, कृष्ण प्रसाद जी हैं, एक क्रिएटिव महिला हैं जो लिख रही हैं स्टोरी, उनका हॉबी है स्टोरी राइटिंग करना और ये उनके भी लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उनके लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। उनका ड्रीम था कि हम प्रियंका चोपड़ा के साथ ही काम करें, अपने स्तर से भी उन्होंने प्रयास किया। मेरे पास भी बात आई, मैंने ठीक है मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी अप्रोच करता हूँ। तो प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर है अंजुला आचार्य, अंजुलाचार्य जी को हमने अप्रोच किया प्रोजेक्ट के बारे में और फिल्म ऑलरेडी शूटिंग में है, यूके में उनकी फिल्म चल रही थी शूटिंग, क्या कुछ नाम था, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा कुछ वेब सीरीज चल रही थी तो क्लियर नहीं हो पाया हम लोग को, डेट वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर का चांस मिला है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग कर सकते हैं और देखते हैं। प्रियंका पर डिपेंड करता है, नहीं 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 निका अभी आप हमारे राइट क्वेश्चन। एक्चुअली क्या था कि इसका जो ग्रीन कार्ड पार्ट टू बनेगा, अगर गॉड विशेस से सक्सेस होता है मिशन, तो इसका पार्ट टू अगर बनता है तो हमारी मैम का कहना है कि निक जोनस को लेकर हम काम कर सकते हैं। हमारे भी शाहरुख जी हैं, इनका भी इंट्रोड्यूस, मैं तो इनसे परिचित नहीं था लेकिन भाई मैम के थ्रू ही, मतलब न्यूयॉर्क के थ्रू वाया ही हमें इंट्रोड्यूस हुआ इनके, ये भी यहाँ से हैं, बिलोंग कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, सीरियल वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपनी फिल्म में इनकी बात चल रही थी तो हमने बोला ठीक है कास्टिंग करते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। हमारी फिल्म में ये भी इन्वॉल्व हैं और ये रमेश जगलान जी हैं, शायद आप लोग पूर्व परिचित होंगे और ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, ऑलरेडी परिचित हैं आप लोग। रणविजय राव जी हैं, सीरियल आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे होम टाउन औरंगाबाद बिहार से हैं। ये आर्यन है मुंबई से ही और अभी शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहे, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, कुछ वेब सीरीज भी इन्होंने करा है। हमारी फ्रेंड सर के लिए मैंने इनवाइट किया, क्या मिलके इसको करते हैं, इस मिशन को पूरा करते हैं और ये ऋषभ परिचित है। छोटी जो कैसे कैसे मिला कृष्ण जो जो है वो मेरी फ्रेंड है, उनके थ्रू मैं आया हूँ और सौरभ जी से मिला, उन्होंने मुझे डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है ग्रीन कार्ड करके, तो हम उससे बना रहे हैं कि एक बार आप भी जाके मिलिए, तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा ये प्रोजेक्ट और सौरभ जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। कुछ बताया किसी कुछ क्या मिला, कुछ रोल क्या आपका जी? मुझे जो कृष्ण जी ने बताया, उन्होंने बताया कि प्रियंका चोपड़ा का फ्रेंड का कैरेक्टर है कुछ। हाँ, नो सर, नमस्कार, मैं रमेश जुगलाल और फिल्म की प्रोड्यूसर स्टारडम के जो ओनर प्रोड्यूसर हैं कृष्णी जी, वो फ्रेंडली एक मेरी बहन की तरह है और काफ़ी टाइम से ग्रीन कार्ड के लिए जिक्र हुआ, बातचीत चल रही थी और सौरभ जी के लिए भी एज ए बातचीत पहले से ही चल रही थी बात। और ग्रीन कार्ड स्टोरी सौरभ जी ने भी पढ़ी और मैंने भी पढ़ी और जितना मेरे को भी समझाया गया, ये जैसे मान लें कोई अपने इंडिया से या दूसरी कंट्री से जाते हैं तो किस तरह से मान लें एक दूसरे को लड़का लड़की किस तरह से प्रपोज करके ग्रीन कार्ड पाने के लिए भी वो किस तरह से वो ताना बाना बुनते हैं, तो इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत इसमें जो मेरे जानकारी में है। और बहुत कृष्णी जी इस प्रोजेक्ट के इतनी लगन से और इतनी फास्ट लगी हुई है और आज सौभाग्य है कि भारद्वाज जी यहाँ आए और मेरे को भी, जो मेरी बहन है तो उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा स्पेशल,
और आज मुलाकात हमारी पहली बार ही हो रही है हमारे डायरेक्टर साहब से जी जी। तो मैं तो यही एक दिल से एक दुआ करता हूँ कि मान लें प्रोजेक्ट बहुत जल्दी, आज इसका मुहूर्त है तो बहुत जल्दी इसका शूट शुरू हो और मैं बतौर एक इसमें कार्यकारी भी काम करूँगा, मेरे लिए ये खुशी की बात रहेगी, एक अच्छी टीम बने और जल्दी इस फिल्म का शूट स्टार्ट हो, मैं इसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बोलिए अपना लाउडली बोलिए ना। देखिए मैं यहाँ पे एज अ फ्रेंड सौरभ को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, ये मेरे होम टाउन से हैं और काफ़ी मेहनती हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरती ये है कि आज के डेट में जिस उम्र का सौरभ है यहाँ पे मैक्सिमम आपको एक्टर्स ही मिलेंगे, इस उम्र में बहुत कम ऐसे मतलब आपको लड़के हैं जो युवा हैं जो डायरेक्शन में मतलब बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, और डेफिनेटली किसी भी प्रोजेक्ट से अगर एक प्रतिभाशाली युवा जुड़ता है तो प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत और एक डिफरेंट होता है। तो एज अ फ्रेंड मैं यहाँ पे सौरभ को, सौरभ ने मुझे इन्वाइट किया, परसों ही मुझे बताया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, मुंबई आ रहा हूँ तो मैं इसको सपोर्ट करने के लिए आ रहा हूँ। ढेरों शुभकामनाएं सौरभ। मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और सौरभ के साथ में हमने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं और इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, ठीक है, इतने यंग एज में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं और ये बहुत ही मतलब बेहतरीन इंसान है, ठीक है। तो मेरा सपोर्ट इनके लिए हर तरह से रहेगा बिकॉज आई एम इनटू डायरेक्शन, राइटिंग एंड एज वेल एज इन एक्टिंग। अब जो भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन मुझसे मांगेंगे आई एम श्योरली गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इट। थैंक यू।